तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सिक्स है। पार्ट सिक्स में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को करेंगे। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल तीन मेथड दिए हुए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो ये जो पार्ट है हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का उसको देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले तो मैं आपको कुछ माइनस प्लस वाले क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ माइनस थ्री माइनस टू का आंसर मुझे बताओ क्या होगा, ये आपको आना चाहिए, बेसिक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, तीन, उसके साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अनदर नंबर बोल रहा हूँ माइनस थ्री प्लस टू बोल रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो थ्री माइनस टू विल गिव यू वन। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस वन हो जाएगा, थ्री माइनस टू विल बी वन। ये आपने कैसे डायरेक्टली लिख दिया, देखो यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, थ्री माइनस टू कितना हो गया वन। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर तीन के साथ इस बार प्लस है तो ये प्लस वन, अब प्लस के लिए तो कुछ लिखते नहीं है, इसके लिए वन डायरेक्टली इसका आंसर आया था, ठीक है। तो ये माइनस प्लस वाले तो बेसिक क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, इसके लिए फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिया, अभी आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा दूसरा चीज़ जो आपको आनी चाहिए फैक्टराइजेशन, वो आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। सबसे पहले तो फैक्टर होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर आठ बोला तो मैं पूछ रहा हूँ आप इसके फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे, तो आठ के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आठ फैक्टर का मतलब क्या है कि ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा, कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये। तो सबसे पहले तो ये वन से डिवाइड होगा क्लियरली, टू से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा, देन खुद ये एट से भी डिवाइड होगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप एट कैसे कैसे लिख सकते हो, तो वन इंटू एट लिख सकते हो इक्वल्स टू एट आ जाएगा, है ना। टू इंटू फोर लिख सकते हो तो एट दे देगा आपको, है ना, ये तरी, और फोर इंटू टू भी लिखोगे तो भी आपको एट दे देगा, है ना। अनदर एग्जांपल देखो, बारह, बारह के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। बारह के फैक्टर्स होंगे वन, सबसे पहले तो ये वन से डिवाइड होगा, टू से होगा, थ्री से होगा, फोर से होगा, सिक्स से होगा, देन खुद ये ट्वेल्व से भी होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व, फैक्टर ट्वेल्व के हमने निकाल दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ ट्वेल्व को कैसे कैसे लिख सकते हो, वन इंटू ट्वेल्व लिख सकते हो ट्वेल्व देगा आपको, टू इंटू सिक्स लिख सकते हो ट्वेल्व देगा, थ्री इंटू फोर भी लिखोगे तो भी ट्वेल्व दे देगा ये, देन सिक्स इंटू टू, अगेन ये रिपीटेशन हो जाएगा, तो इसके लिए आप सिक्स इंटू टू लिखो या टू इंटू सिक्स लिखो आपको आंसर वही मिलेगा। तो फैक्टर का मतलब समझा आपको क्या होता है, आप वो नंबर कौन कौन से नंबर से नंबर डिवाइड हो जाएगा और आप उसको ब्रेक करके लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा और तरीका बताऊँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस पाँच, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे ए एक्स वाले फॉर्म में, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अभी इसको सॉल्व कैसा करना है, स्टेप वन, स्टेप वन क्या होगा हमारा, स्टेप वन जो ये नंबर दिया हुआ है इसको आपको यहाँ वाले नंबर से मिलते, अब यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब वन है, ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। अभी इस बार वन दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइव इंटू वन ये हमने मल्टीप्लाई करके स्टेप वन कर लिया, ये हमने एक नंबर फॉर्म कर दिया। आपको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना, अभी इधर कुछ भी हो सकता था, फाइव इंटू थ्री भी हो सकता था, ठीक है, तो आप फिफ्टीन नहीं लिखोगे, फाइव इंटू थ्री ही रखने दोगे। तो अब स्टेप वन में हमने क्या किया, एक नंबर हमने फॉर्म कर लिया। अब हमको स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में हमको ये नंबर को ब्रेक करके लिखना है। अभी तो हमने ब्रेक कर, अभी ये छोटा नंबर है इसके लिए तो डायरेक्टली ब्रेक हो, फाइव इंटू वन ऐसे ही ब्रेक होगा और कुछ तरीके से ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है, छोटा नंबर है इसके लिए ऑलरेडी वो ब्रेक हो गया। स्टेप टू में हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया नंबर को, क्या किया, ब्रेक करके लिख दिया नंबर को। पहले तो मल्टीप्लाई किया, स्टेप वन में हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया, स्टेप टू में ब्रेक करके लिख दिया। स्टेप थ्री में क्या होगा, हमको इन दोनों नंबर को, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये वाला और ये वाला जो हमारे नंबर आए हैं, इनको ऐसे प्लस या माइनस करना है कि ये जो बीच वाला नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म हो जाए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बीच वाला नंबर क्या है, माइनस फोर एक्स है, मतलब हमको इसको, ये जो दो नंबर से हमको माइनस फोर एक्स बनाना, अब कुछ नहीं है इधर एक्स लिख दो, फोर एक्स वन एक्स, वन एक्स का मतलब एक्स ही होता है, हमको फोर एक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारी इक्वल्स टू जीरो, हमने दो रूट दो नंबर निकाले हमारे क्या थे वो, फाइव एक्स, एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फोर एक्स है और ये वन एक्स, एक्स लिखो या वन एक्स लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ। अब हमको बनाना क्या है, हमको जाना कहाँ है, माइनस फोर एक्स बनाना है। अब माइनस फोर एक्स कैसे आएगा, जब माइनस करोगे तभी तो आएगा ना, माइनस करोगे तो माइनस करोगे, लेकिन माइनस फोर एक्स कब आएगा, जब माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ होगा, है ना, और प्लस का साइन छोटे वाले नंबर के साथ होगा। अब देखो करके देख लो, माइनस
प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5x माइनस x क्या होगा, 4x होगा, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर क्या होगा, माइनस, माइनस 4x हमने बना दिया। ये हो सकता है आपको अभी फॉर्म करना ना है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस 10 टू 15 क्वेश्चंस भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप ऑटोमेटिक आपका ब्रेन बनाने लगेगा उसको, क्योंकि आप यूज टू हो जाओगे उससे, ठीक है। तो हमको पहले तो हमने नंबर बना लिया माइनस 5x प्लस x बना लिया। अब सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कैसा है, मैं सारे स्टेप नहीं करवा नहीं लिखवाऊंगा, मैंने सिर्फ अभी फैक्टर करने के लिए मैंने ये स्टेप बताया था। आगे मैं आपको इसमें स्टेप 1 स्टेप 7 तक स्टेप ऐसे तो ये स्टेप 10 तक चला जाएगा, बट हमको वैसे नहीं करना, हम डायरेक्टली अभी इसको हमको सिर्फ एक बार ये निकल गया ना आपको बाकी के आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है फिर। तो हमने ये फैक्टर हमने बना लिया, अभी क्या करना है ये क्वेश्चन को इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 4x के बिहाफ में क्या लिखेंगे माइनस 5x और ये क्या है प्लस x माइनस 5 इक्वल्स 0। अगर मुझे अभी मेरा मैंने फैक्टर बराबर नहीं निकाला क्रॉस चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना, 5x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर है ना, देखो माइनस 4x आ गया। ये मैंने मेरा क्वेश्चन क्रॉस चेक किया, आप इसको माइंड में कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन किया गया। अभी हमको नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, आपको कॉमन लेना है इसमें, इसमें कॉमन कैसे लोगे, देखो सबसे पहले तो आपने फैक्टर निकाला, देन आप फिर वही फैक्टर को यहाँ पर लिख दिया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार एक्स लिखा हुआ है ना, दो बार अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक x कॉमन है और यहाँ एक x है, तो हम क्या करेंगे x को बाहर ले लेंगे। एक x को जब मैंने बाहर लिया तो एक x अंदर यहाँ रह जाएगा, बट यहाँ कोई x नहीं बचेगा क्योंकि वो कॉमन हो चुका है। प्लस में अब यहाँ दोनों x माइनस फाइव में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब वन कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब वन कॉमन है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो x माइनस पाँच यहाँ भी है, x माइनस पाँच यहाँ भी है ना, दोनों तरफ x माइनस पाँच है। अभी जैसे मैंने x कॉमन लिया, x माइनस पाँच को भी बाहर लेकर कॉमन ले लेंगे, x माइनस पाँच हो गया, यहाँ क्या बचा x प्लस वन बचा हुआ है। ये वैसे तो बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं ऑटोमेटिक, बट मैं बता रहा हूँ कि x माइनस पाँच कॉमन होता है, इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को, x माइनस पाँच और x प्लस में वन यहाँ लिखें, इक्वल्स टू जीरो। अभी आपकी इक्वेशन बन गई, क्या बनी, x माइनस पाँच इंटू x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देखो ये x माइनस पाँच ये कॉमन लिया और x प्लस वन, पीछे लिख रहा हूँ x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को इंडिविजुअली जीरो के इक्वल करना है, x माइनस पाँच इक्वल्स टू जीरो ये इक्वल किया और देखोगे x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x जब इधर हो माइनस पाँच जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पाँच हो जाएगा, और जीरो की तो वैल्यू नहीं रहेगी इसमें, और प्लस वन इधर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। एक हो जाएगा पाँच, एक हो जाएगा माइनस वन, तो क्या हो गया जो इक्वेशन है द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगी, या तो x इक्वल पाँच होगा या तो x इक्वल्स माइनस वन होगा, ठीक है, क्या होगा रूट होगा। इसको हम बोलेंगे क्या, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल फाइव, कैसे लिखोगे द रूट्स ऑफ पुरान लिख रहा हूँ इक्वेशन आर x इक्वल्स पाँच और x इक्वल्स माइनस वन, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आएगा इज x इक्वल्स पाँच और x इक्वल्स माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझा होगा, और एक दो क्वेश्चन दिखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ये कुछ भी इसमें टफ नहीं है। देखते एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं करा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर 14x प्लस 13 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और मैं आपको बोल रहा हूँ आप सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब वन है, तो 13 इंटू वन एक हमने नंबर फॉर्म कर लिया। अभी हमको क्या करना है, हमको इन दोनों नंबर को ऐसे प्लस या माइनस करना है कि हमारा बीच का नंबर आ जाए, क्या है वो माइनस 14x है, ठीक है। तो अब 13 के और कोई फैक्टर तो होंगे नहीं, तो यही दो फैक्टर है, 13 और 1 ही हमारे दो फैक्टर है, तो 13x कर देता हूँ इसको और इसको 1x कर देता हूँ, या तो x बोल दो, ठीक है, 13x और ये x हो जाएगा। तो माइनस 14 लाना है मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, मतलब प्लस करना पड़ेगा, मतलब 13x में जब 1x मिलाऊंगा तो कितना 14x आ जाएगा, लेकिन साइन कैसे लगेगा, माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा माइनस 13x माइनस x करना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 13x में x मिलाएंगे क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, देन माइनस का साइन आ जाएगा माइनस 14x हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा, नहीं भी समझ रहे तो कोई बात नहीं, थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद आप समझ जाओगे। तो हमने फैक्टर्स क्या बनाए हमारे, माइनस 13x एक तो बन जाएगा और एक माइनस x बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, यहाँ पर लिखना, इसके रिप्लेसमेंट में ये लिखेंगे माइनस 13x माइनस x प्लस 13 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो भी कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ एक x कॉमन, यहाँ एक x कॉमन, तो मैंने x कॉमन बाहर ले लिया तो x हो जाएगा और ये माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन लूँ मैं,
यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ मैं क्या कॉमन लूँगा, माइनस माइनस बाहर रहेगा और वन कॉमन लूँगा, वन कॉमन लूँगा तो इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन ये एक्स हो जाएगा। अब इधर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, थर्टी माइनस करना पड़ेगा, है ना, ज़ीरो। कैसे करना पड़ा, ये क्या हो गया सर, आपने क्या करा दिया है, देखो माइनस वन को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई क्या करूँगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। माइनस वन को जब माइनस थर्टीन, है ना, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है ना अंदर, माइनस वन को जब माइनस थर्टीन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थर्टीन हो जाएगा। देखो माइनस एक्स, ये देखो एज इट इज ऐसे ही आ गया, माइनस एक्स प्लस तेरह आ जाएगा। इसके लिए वन कॉमन लेने के लिए हमको करना पड़ा। अगर नहीं भी समझ रहा है तो कोई बात नहीं, देखो नहीं भी समझ रहा है तो तरीका बता देता हूँ क्या करना है। अगर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स माइनस थर्टीन आया है ना, तो यहाँ पर भी आपको एक्स माइनस थर्टीन ही लेना लाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल ही है कि आपको यहाँ एक्स माइनस थर्टीन लिया है तो यहाँ पर भी एक्स माइनस थर्टीन ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो एक्स माइनस थर्टीन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर भी सेम ही ब्रैकेट आना चाहिए। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, हमारी इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। अभी हमको क्या करना है, देखो ये देखो अभी x माइनस थर्टीन, एक्स माइनस थर्टीन में कॉमन ले लिया बाहर, अब ये क्या बचेगा, x माइनस वन बचेगा, x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन अभी ऐसी बन गई है, क्या बनी है, x माइनस थर्टीन और क्या था, x माइनस वन, x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल करना है, तो x माइनस थर्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो और x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया हमने, तो x इक्वल्स माइनस थर्टीन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस थर्टीन, तो x इक्वल्स थर्टीन हो जाएगा, x इक्वल्स माइनस वन इधर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल थर्टीन आया एक बार और x इक्वल वन आया, तो या तो इसका आंसर x इक्वल थर्टीन होगा या तो वन होगा, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल थर्टीन और x इक्वल्स वन, आप ये पूरा लिख लोगे आंसर में, आपको लिखना ही है, ठीक है। द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल थर्टीन और x इक्वल्स टू वन, या तो थर्टीन आंसर है या तो वन आंसर है, ठीक है। तो इसके आगे जो वाले क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।